नवरात्रि पर फलहार के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला कुट्टू का आटा जहर बनकर सामने आया है। करनाल में कुट्टू का आटा खाने से 25 लोग बीमार हो गए हैं। कई लोगों को कल्पना चावला हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और कई निजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कुट्टू का आटा खाने से लोगों को उल्टी, दस्त, बदन दर्द व पेट दर्द की शिकायत सामने आई। नवरात्रि के आगाज होते ही खबरें सामने आने लगी कि लोग बीमार हो गए हैं। वजह बताई गई कि इन लोगों ने व्रत रखा था और कुट्टू का आटा खाया था। व्रत के दिनों में लोग कुट्टू के आटे से बनी रोटी और सामान खाते हैं। आपको बता दें कि करनाल के अलग अलग जगहों के रहने वाले लोग जब हॉस्पिटल पहुंचे तो सबको एक ही तरह की बीमारी की शिकायत सामने आई। पेट दर्द, उल्टी, दस्त, बदन दर्द की बीमारी के कारण लोग परेशान थे। डॉक्टर ने बताया कि प्राथमिक जानकारी के अनुसार 25 के आसपास लोग बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है। वहीं कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने व्रत रखने वालों लोगों से अपील की है कि व्रत रखने वाले सभी लोग अच्छी क्वालिटी का आटा प्रयोग करें। कई बार आटा पुराना होता है, हो सकता है ऐसी समस्या पुराना आटा खाने से हो। फिलहाल जांच का विषय है, आखिरकार एकदम से व्रत रखने वाले इतने लोग कैसे बीमार हो गए। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। गांव से एक ही परिवार में फूड सप्लाई की अनदेखी के कारण एक परिवार के तीन बच्चे, एक माता और एक भाई, तीन बहनें थी एक भाई, फूड सप्लाई की अनदेखी के कारण से आज आईसीयू में भर्ती है। परिवार मिडिल क्लास से है। सरकार से हम मांग करते हैं मिडिल क्लास प्राइवेट हॉस्पिटल के खर्चे को आसानी से पे नहीं कर सकता, इसलिए सरकार जो ये फूड सप्लाई की अनदेखी हुई है, पहले तो प्रशासन से और सरकार से यही मांग है कि इसकी जांच की जाए और जिसने भी अनदेखी की है, जिसने भी ये कमी की है खाने में, फूड सप्लाई में, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। प्रत्येक नागरिक जब अपने बच्चों को इमरजेंसी आने पर सरकारी अस्पताल में ले जाता है, लेकिन वहाँ से जब ठीक प्रकार से उनको चिकित्सा नहीं मिल पाती, वहाँ क्या कह रहे थे कितने पेशेंट आए? रात लगभग हमारे पास 20-25 पेशेंट आए हैं, जिनकी चीफ कंप्लेन यही थी कि व्रत रखने के बाद जब उन्होंने कुट्टू के आटे की रोटी खाई है, रोटी खाने के बाद उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, उल्टी लगना, जी घबराना, कंपकंपी आनी, इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिले और वो हमारे हॉस्पिटल में आए। जब हमने हॉस्पिटल में आके उनको मैनेज किया और हिस्ट्री जब पता की, तो उन्होंने बताया कि कुट्टू का आटा खाने से उनको ये प्रॉब्लम हुई है। तो अभी तक तो यही सोचा जा रहा है कि हो सकता है कि कुट्टू के आटे में कुछ ऐसी पुराना कुट्टू का आटा रहा होगा या कुछ और दिक्कत रही होगी जिसकी वजह से ये सब हुआ होगा। हालांकि जो डिस्ट्रिक्ट सिविल हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है और वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेन कारण है वो क्या हुआ है और किस तरह से सब हुई है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप खरीद रहे हैं, कुट्टू का आटा खरीद रहे हैं, वो अच्छे ब्रांड का या अच्छी दुकान से ही खरीदें, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट देख कर ही खरीदें। और जो पुराना आटा है, जो घर पे भी पुराना आटा रखा है या जो दुकानदार पुराना आटा दे रहा है, उससे परहेज करें ताकि अपनी सेहत को बचाया जा सके। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, समय समय पर खाना खाते रहिए और परहेज़ कीजिए ऐसी चीज़ों से जो बाहर का बना खाना होता है या फिर जो ऐसे जैसे कुट्टू का आटा हो गया, जो एक अनऑथराइज्ड दुकान से लिया गया है या ऐसी जगह से लिया गया है जहाँ से आप क्वालिटी के बारे में नहीं कह सकते, क्वालिटी की जहाँ पे कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, तो उन सब चीज़ों से परहेज़ करें। क्योंकि जो ये धार्मिक त्यौहार है नवरात्रि का, 8 दिन का हमारा रहता है, इसमें जहाँ हम धर्म के साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान रखना भी ज़रूरी है ताकि हम अपनी सेहत को भी बचा सकें और जो अपने धार्मिक अनुष्ठान है उनको भी पूरा किया जा सके। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.